यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल, REMC, इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा, जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे थे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं। इस पे हमने बेसिक ये सारी चीज़ें कर ली थी, कैसे आपको चेंज इनको करना है, क्या फॉर्मूला था। अब हम जो कर रहे थे, हम कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, कि जैसे स्पीड दी रहती है किलोमीटर पर आवर में, उसे हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। स्पीड दी रहती है मीटर पर सेकेंड में, उसे कभी कभी हमें चेंज करना होता है मीटर पर किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे थे, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करा तो 5.5 आया। हमें पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उस वैल्यू को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फोर्थ का आंसर तुम दोनों का कहाँ है भाई, तुम तीनों का है? नहीं करा होमवर्क, बिना वन सार तक होमवर्क नहीं किया तुम लोगों ने, होमवर्क किया कि नहीं किया? मजाक चल रहा है तुम लोगों का अभी, होमवर्क है?
ठीक है भाई। ओके ओके सॉरी सॉरी। ठीक है तो ये इसका यहाँ पे क्या आना था, आंसर आना था। ठीक है ये यहाँ पे आंसर आना था। फोर्थ वाला तो आपको क्लियर है कि 126 किलोमीटर पर आवर था, हमने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5.18 हो जाएगा। 18 7 जब 156 होता तो 7 5 जब 35 हो गया। ठीक है फिर हमने 144 करा था तो 18 8 जब 144 हो गया, 8 5 जब 40 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है भाई सारा क्लियर हो रहा है ना। बाकी तो यार क्या चल रहा है इन लोगों का, तन्या के आंसर आ रहे हैं, सौरभ के आंसर आ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ पता नहीं क्या कर रहा है, अभिनव पता नहीं क्या कर रहा है, सार्थक पता नहीं क्या कर रहा है, इनका गेम बजाना पड़ेगा। तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। कितनी बारी बोलूं क्वेश्चन कैसे करोगे आगे। फिर ये 80 था सॉरी 90 था, 90 को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5.18 से मल्टीप्लाई, 18 5 जा होता है 90, तो 9 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हुआ था हुआ था। अरे भाई सिद्धार्थ क्या नहीं हुआ है, मैं 5वीं बार पूछ रहा हूँ कि सर मेरा नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों परेशान हो रहे, हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बताओ। तब से ले गए हो सर मेरा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ वो तो बता, क्या नहीं हुआ। कोई दिक्कत है, माइक ऑन कर लो, ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो। लेकिन हुआ क्या नहीं वो मुझे समझ नहीं, ऐसे लिखो कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं, क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट आएगा 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5.18 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपको दिख रहा है सर 18 2 जा होता है 36। ठीक है एंड 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आया था सबका भी बिल्कुल सही, 10 आया है ना। फिर आपने क्या करा 54 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5.18 से मल्टीप्लाई, ठीक है 18 3 जा होता है 54, 5 3 जा हो गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आसान सा चल रहा था, कितना आसान सा चल रहा था। ठीक है कितना आसान सा चल रहा था। नोट क्या कर रहा है तू, तुम माइक ऑन कर यार भाई एक बारी, सिद्धार्थ माइक ऑन करो, पूछो क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या है, माइक ऑन करके पूछ लो, कुछ दिक्कत है तो वहां लगता है कुछ और ही इश्यू है। माइक ऑन कर लो, पूछ लो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। 162 किलोमीटर पर आवर है तो 5.18 से मल्टीप्लाई है, ठीक है तो 18 9 जा होता है कितना 162, 9 5 जो हो गया 45 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फिर 140 था तो 140 को हमने मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5.18 से। ठीक है इसको हम रिड्यूस रिड्यूस कर लेंगे, ये रिड्यूस रिड्यूस हो रहा है। अब देखो अपने हिसाब से कर लो, या तो डिवाइड कर लो डायरेक्ट या तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। ठीक है वो आप अपने हिसाब से जाओ, वो आप अपने हिसाब से जाओ। ठीक है ओके चलो, तो हमने क्या करना था इसको, अगर आप इसे रिड्यूस भी करना चाह रहे हो या सीधे भी आप इसे डिवाइड करना चाह रहे हो वो आप अपने हिसाब से चले जाओ। ठीक है ये रिड्यूस होगा आपका किससे, 2 से ही हो रहा है और किससे तो हो नहीं रहा है ना, 7 से भी नहीं हो रहा। 2 से करना चाहे तो कर लो, 2 7 40 0 एंड 2 9 18, फिर में से किसी एक को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 350/9। अब 9 से कर लो, 9 4 जा 9 3 जा 9 7 उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है अपने हिसाब से करो, डिवाइड ऐसे करते हैं ना स्टार्टिंग में जिसको दिक्कत आती है वो ऐसे प्रैक्टिस किया किया करो। 9 3 जा हो गया आपका 27, यहाँ कितना बचा 8 बचा। ठीक है यहाँ से आया 0, 9 8 जा 72। ठीक है यहाँ बचा कितना 8 बचा, 9 से 8 डिवाइड होगा नहीं होगा, पॉइंट लगा लेना है, 10 कर लेनी है, फिर 9 8 7, ये बार बार ऐसे आता रहेगा, 9 8 7 2 8 8 8 8 8 8 आता रहेगा, तो ये कितना हो गया 38.88। हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना होता है जनरली क्वेश्चन है ना, 2 डिजिट तक करना होता है। ओके बस आ गया आंसर। इसके बाद देख लो 18 को फिर हमने किससे करना था, 5.18 से करना था, कितना इजी है, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड आपका हो गया, 5 मीटर पर सेकंड आपका हो गया। ठीक है 95 5.18 से करना था। ठीक है अब अपने हिसाब से इसके कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है ये किससे रिड्यूस नहीं हो रहा है, 95 और 18 किससे रिड्यूस नहीं हो रहे है ना। चलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 9 45 2 47।
अपॉन 18। इसका क्या आंसर आ रहा है बताओ? 485 आ रहा। और 75 भी आ रहा होगा। 85 आ रहा क्या? 5 5 25 का 5 carry 2, 5 9 45, 45 to 47 ही तो होगा, है ना। बस इसको डिवाइड करके देख लो, जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। बताओ अब क्या दिक्कत है किसी को? किसी को अब क्या दिक्कत है? वो तो भाग ही गया फिर, है ना। चलो भाई ठीक है, ओके निकल रहे हैं आगे। ठीक है, ये था आपका पूरा जो फर्स्ट था हम लोगों का, कि हमने किलोमीटर पर आर को चेंज कर रहा था मीटर पर सेकंड में। अभी आप बोल रहे होंगे सर इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं। अभी जब मैं आगे आपके सामने क्वेश्चन दूंगा ना, तो वहां पर जब एकदम से आएगा कि यार हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, भले लिखा नहीं होगा लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। ये आपका यहाँ पे क्या, हमने इनको किलोमीटर पर आर में चेंज करना था। आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। देख लो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 4 जा हो गया आपका कितना 20, एंड यहाँ होगा 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आर। आंसर भी आप लोग भेजते रहो, ठीक है, आंसर भी भेजते हो, सेकंड का आंसर भी, ठीक है 72 आ गया, सेकंड का भी आंसर भेज दो। बहुत बढ़िया, सरन्या का सही था, शौर्य का सही था, बाकी सार था कि मैं गेम बजाने वाला हूँ, इसका बैंड बजाऊंगा मैं आज। आंसर क्यों नहीं कर रहा है, भेज क्यों नहीं रहा है? आंसर नहीं करे होंगे, है ना, 2 दिन हो गए तब से क्लास नहीं करी है और आंसर भी नहीं कर रहे हो। अभिनव का भी वही सीन है बस, है मैंने फेंक देना है दोनों को एक एक करके। आंसर क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसी तो होगा फिर, है होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, टेस्ट भी क्या पता। अभी मैं कभी चेक करूंगा ना, अभी तो अभी मैं हल्के में ही चल रहा हूँ कि एक बार चलो सीखने दो इनको, फिर बताऊंगा तुम लोगों को जब घर से उठवा ले जाओगे ना। और मत बोलना ये हो गया वो हो गया, टैटिक हमने किससे करना था? देखो करना क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 5 6 30, ठीक है 18 6 कितना होता है 108, ठीक है वेरी गुड 108 आ गया, दोनों का आ गया, बहुत बढ़िया। थर्ड का आंसर बताओ भाई, थर्ड का क्या था? 45 मीटर पर सेकंड था, इसे हमने 18/5 से क्यों किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। 5 9 45, 89 कितना हो गया 162 किलोमीटर पर आर हो गया। कितना सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है नेक्स्ट देख लो, 65 था तो 65 को हमने किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए 18/5 से करना है, मल्टीप्लाई में सब ये रेडियो जो रहा है 5, क्योंकि लास्ट में आप डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होंगे। 5 1 कितना हो गया 5 हो गया, 1 बचा यहाँ पे 15, 5 3 15। ठीक है अब आपको यहाँ बचा 13 into 18, फिलहाल के लिए बच गया। दोनों की आपको अच्छे से टेबल आती है अपने हिसाब से देख लो, 18 3 54 का 4 carry 5, 18 1 18, और 18 5 कितना होता है 23, तो 234 किलोमीटर पर आ रहा था 163। अच्छा मिसटाइप किया होगा, ठीक है यहाँ पे 234 आ जाएगा। फिर क्या है 19 था तो 19 को हमने किलोमीटर पर से आर में चेंज करना, तो 18.5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे रिड्यूस कुछ नहीं हो रहा है, या तो किसी एक को डिवाइड कर लो फिर उसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपको अपने हिसाब से देखना। अगर मैं इस बार इसको पहले मल्टीप्लाई कर दू 19 into 5 से मैं 18 को डिवाइड कर रहा हूँ, 5 3 जा हो गया आपका कितना 15, वहां पे बचा आपका 3 बचा, आपने पॉइंट लगाया 3 के पीछे 0 5 6 30, 3.6 आपका यहाँ पे क्या आ गया आंसर आ गया। अब 19 to 3.6 करोगे 19 6 होता है कितना, 96 कितना होता है बताओ बोलो। टेबल रेंडमली लर्न किया करो भाई, कितनी बारे बोलू 234 ही है ना, हाँ ठीक है ओके। 9 6 14 14 का 4 carry 14, 19 3 57, 14 हो गया नहीं कैरी 11 हो गया ना, हाँ 19 3 कितना होता है 19 3 कितना होता है 57, एंड 57 10 67 68 68, ठीक है पॉइंट 68.4 आ रहा है आंसर, 68.4 आंसर आ रहा है बताओ, आ रहा है ना ठीक है। 28 था, इसको भी कर लो 28 into 18/5, किसी एक को डिवाइड कर लो, ठीक है जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसे आप लोग डिवाइड कर लो।
क्योंकि देखो मुझे 18 की टेबल आती है, तो मैं इस बारे 5 से 28 को डिवाइड कर रहा हूँ। 5 से 28 को करा तो 5 5 जो हो गया आपका कितना 25। 3 बचा वहां पे, पॉइंट लगाया 3 के पीछे 0, 5 6 35.6 इंटू 18। अब आप बोलोगे सर पहली बार आपने इससे इसको डिवाइड करा, इस बार आपने इससे इसको क्यों करा। पहली बात ये सब मल्टीप्लाई में है तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने पहले 18 की टेबल मुझे पता थी, ठीक है, 18 टेबल क्या थी मुझे पता थी, या 19 की भी मुझे पता थी। मैंने 5 से 18 को करा, 19 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। यहाँ पे मुझे 28 की टेबल नहीं पता है, लेकिन मुझे 18 की टेबल पता है और ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इस केस में आपको बता रहे कि रिड्यूस रिड्यूस हम कर सकते हैं, किसी एक को डिवाइड कर सकते हैं। 5 से मैंने इस बार 28 को करा, 5.6 आया, ठीक है। एक सेकेंड, गलत तो नहीं करा मैंने, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या, फिर 18 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। 18 सिक्स कितना होता है 108 का 8 कैरी हो गया आपका 10। 18 फाइव जो होता है कितना 90, एंड 90 10 कितना हो गया 100, और पॉइंट के बाद एक डिजिट 100.8 आया था। वेरी गुड, 100.8, बहुत बढ़िया। चलो इसको चल लो, 58 है तो 58 को किससे करेंगे, 18 अपॉन 5 से करेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे रिड्यूस अभी नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं 5 से 58 को डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 5 वन जो 5, एंड वहाँ से आपने लिया 8, फिर कितना हो जाएगा 5 वन जो 5, फिर पॉइंट वहाँ से 3, 5 सिक्स 30, ठीक है, इंटू मैं क्या 18 है। 18 सिक्स कितना होता है 108 का 8 कैरी 10, 18 वन जा 18, 18 10, 28 का 8 कैरी 2, 18 वन जा 18, 19 20, ठीक है, पॉइंट पे एक 208.8 आया था, 208.8 आया था। आ रहा है ना, सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद क्या है, 67 इंटू 18 अपॉन 5 है, ये मैंने डिवाइड करा, 5 वन जे 5 वहां पे बचा 117, 5 थ्री जा हो गया आपका कितना 15, फिर वहां पे 2 बचा उसके पीछे 0, 5 फोर 20, 13.4 इंटू 18, 18 फोर जा 72 का 2 कैरी 7, 18 थ्री जा 57, 57 और 7 64 का 4 कैरी 6, 18 वन जा 18, 18 सिक्स कितना होता है, 18 सिक्स कितना होता है 24, वन डिजिट 244.2, 244.2, ठीक है। इसे करना था आपने 32, देखो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड चल रहा है अपॉन 5, 5 से 32 को भी कर लेता हूँ डिवाइड, ये हो जाएगा कितना 5, 5 सिक्स हो गया 30.54, 26.4 इंटू 18, 18 फोर 72 का 2 7, 18 सिक्स 108, 108.7 115, 115 और पॉइंट के बाद एक डिजिट 115.2 आया होगा, ठीक है, वो 4.2 होगा, 24.42 नहीं होगा ये वाला, सही से चेक करो 125 इंटू 18 अपॉन 5। ये तो यहाँ पे कंप्लीट रिड्यूस हो रहा है, देख लो 5 2 जा हो गया आपका कितना 10 हो गया, और वहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 5 5 जा 25, अब 18 इंटू 25, 18 5 जा 90 का 0 कैरी 9, 18 2 जा 36, 36 9 करोगे 45, 450 किलोमीटर पर आवर, ये होने थे आपके, ये चलने थे आपके सारे। बताओ कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से जितना आप फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट आपको करना है भाई, ठीक है। कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट करोगे उतनी आपको ये चीज़ें क्लियरली होती जाएंगी, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के थोड़ना होंगे। मैथ की हमने इतनी सारी क्लासेस कर ली, इतनी सारी क्लासेस यार हमने मैथ की कर ली, अब तो आपसे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, सोल्यूशन तुरंत निकलना चाहिए, कैलकुलेशन तुरंत आने चाहिए, ठीक है। अब इस इन सब चीजों में देख लो क्या हो रहा है, सब चीज सिखा रखी है कि कैसे आपको डेसिमल का करना है, कैसे आपको नॉर्मल करना है, इवन मैंने आपको मल्टीप्लाई तक सिखाया था, नॉर्मल भले आपको पहले से भी पता था लेकिन मैंने फिर भी करवाया था, एडिशन सबट्रैक्ट ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बोल लिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलो भाई यहाँ पे आपने एक चीज सीख ली, अब नेक्स्ट देखो, अब हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं प्रॉपर, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एक बार हम करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कार है वो ट्रेवल कर रही है, अ कार ट्रेवल्स 420 किलोमीटर किलोमीटर इन
15 आवर्स किलोमीटर यानी 15 आवर्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला बिल्कुल बेसिक, अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चन करेंगे। अ कार ट्रेवल 420 किलोमीटर इन 15 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। क्वेश्चन को आपने कैसे स्टार्ट करना है वो ध्यान से समझ दो। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ कार ट्रेवल, एक कार ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है मतलब कहीं से कहीं को जाती है। कितना ट्रेवल करती है, कितना चलती है, 420 किलोमीटर चलती है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू, वैसे तो आपको क्लियर हो रहा है बट फिर भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी वैल्यू किलोमीटर में दे रखी होगी, के एम मतलब किलोमीटर में दे रखी होगी, या कोई वैल्यू मीटर में दे रखी होगी, तो ये क्या चीज होगी, ये होगी वहां पे डिस्टेंस, ठीक है। ये होगी वहां पे क्या डिस्टेंस होगी। कोई अगर किलोमीटर में होगा एंड कोई अगर मीटर में होगा तो आप इजिली समझ जाओगे कि सर ये क्या है, ये डिस्टेंस दे रखी है, ओके। और वहां पे लिखा भी है एक कार चल रही है, कितना चल रही है, 420 किलोमीटर चल रही है। तो ये हमने नोट कर लिया। अभी मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, आप बाकी बाद में तो आप डायरेक्ट करोगे। डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे दी कितनी, 420 किलोमीटर हमें यहाँ पे क्या दे दी, डिस्टेंस दे दी। फिर बोला है कि जो कार है वो ट्रेवल कर रही है, कितना ट्रेवल कर रही है, 420 कर रही है इन 15 आवर्स, कि वो 420 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 15 आवर्स में, 420 किलोमीटर वो चल रही है 15 घंटे में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में आवर्स में दे रखी होगी या वो किस में दे रखी होगी, मिनट में दे रखी होगी, जनरली आवर्स और मिनट में दे रखी होगी। बाकी कोई सेकंड में भी दिया हुआ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आवर में दिया होगा, सेकंड में दिया होगा, मिनट में दिया होगा, तो आपको पता ये तीनों चीज क्या है, ये टाइम है, ठीक है। तो आप इजिली समझ जाओगे कि सर ये क्या होने वाला है, ये टाइम होने वाला है। तो टाइम हमें यहाँ पे जो दे दिया वो क्या दे दिया, टाइम हमें यहाँ पे दे दिया कितना, 15 आवर्स का हमें यहाँ पे टाइम दे दिया, 15 आवर्स का हमें यहाँ पे टाइम दे दिया, ओके सर। अब आपको बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार, हमें कार की क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा इसको चाहे तो आप अपने नोट में लिख लेना, इसे आप अपने नोट में लिख लेना कि जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे हमेशा ट्राई करना एक बार वैल्यू को प्रॉपर देख लेना कि जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो फिर टाइम आर में होना चाहिए। क्योंकि देखो ध्यान से समझना है इसको, जब हम स्पीड निकाल रहे हैं आपको पता है सर स्पीड या तो किलोमीटर पर आर में निकलेगी या तो वो निकलेगी किसमें, मीटर पर सेकंड में निकलेगी, या तो किलोमीटर पर आर में निकलेगी या मीटर पर सेकंड में निकलेगी। इट मींस कि सर किलोमीटर के साथ आर होता है और होना चाहिए, मीटर के साथ सेकंड होता है और होना चाहिए। यहाँ पे देख लो डिस्टेंस किसमें है, ये किलोमीटर डिस्टेंस को बता रहा है, ये आर टाइम को बता रहा है, और हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही निकल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस 420 किलोमीटर में है, टाइम भी किसमें, आर में है, तो जो हमारी स्पीड निकलेगी वो किलोमीटर पर आर में निकलेगी। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, एक डिस्टेंस किलोमीटर में दिया होगा एंड टाइम सेकंड में दिया होगा, तो वहां पे डायरेक्ट हम स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे नहीं निकाल लेंगे वैल्यू, पहले हम इनको किलोमीटर और आर के फॉर्म में लाएंगे। हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर के साथ आर होना चाहिए और मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए। ये किलोमीटर है तो ये आर होना चाहिए, अगर यहाँ पे सेकंड होता, समझा रहा हूँ ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या होता, एक सेकंड ना मुझे सेव अप करने दो, अगर यहाँ पे ये क्या होता, अगर यहाँ पे ये क्या होता, ये तो किलोमीटर में था, अगर यहाँ पे 15 सेकंड में होता, अगर यहाँ पे सेकंड में होता तो फिर मैं क्या कर सकता था, फिर मुझे क्या करना था, या तो मैं इस किलोमीटर वाले वैल्यू को मीटर में चेंज करता, ठीक है, फिर ये मीटर पर सेकंड सेम हो गया, या तो मैं क्या करता, जो ये आर, जो ये सेकंड था, इस सेकंड को मैं आर में कन्वर्ट करता, फिर ये किलोमीटर और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर हमेशा किलोमीटर के साथ आर होगा, मीटर के साथ सेकंड होगा। अगर मीटर के साथ आर है हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आर में है, किलोमीटर आर सही कॉम्बिनेशन है।
अब हमने आप स्पीड का फॉर्मूला लगा लेना है। आपको पता है सर स्पीड का जो फॉर्मूला सीधे सीधे स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए, बाकी आप बाद में इतना लंबा थोड़ा ना करोगे, आप तो सीधे वैल्यू देखोगे सीधे आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो स्पीड निकल के आएगी कितनी, डिस्टेंस कितनी है 420 किलोमीटर है, टाइम कितना है 15 है। अब आपको देखो फट से डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, 15 के टेबल सबको पता है, नहीं पता है तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, 5 से रिड्यूस हो रहा है क्योंकि नीचे भी 5 है ऊपर भी, नीचे 5 है ऊपर 0, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में 0 5 होगा उसमें कंप्लीट डिवाइड होना है, या 15 से इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो, 15 3 से 45 ज्यादा हो रहा है, 15 2 जा होता है आपका कितना 30, यहाँ पे बचा कितना 1, यहाँ पे बचा 12, वो आ कितना 120, यानी 15 8 जा होता है 120, तो 28। अब यूनिट लिखना बहुत जरूरी है स्पीड की, किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर पर आर ही हमने क्यों लिखा, हमने मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर हमारे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में था इसलिए किलोमीटर आया, जो टाइम था वो आर में था इसलिए यहाँ पे आर आया। ठीक है, अपने हिसाब से हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए सबको बात समझ, यहाँ से आपने दो तीन बातें सीख ली है, यहाँ से आपने दो तीन बातें सीख ली है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ क्लियर हो गया, चलो आगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इन इक्वेशन से आगे बड़े इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बताओ, सबने नोट कर लिया, ऐसे आपको भी करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन में करना है। ठीक है, चले आगे। ओके, अब देख लो, अब मैं क्योंकि यार देखो हमने इतनी सारी क्लासेस कर ली है, ठीक है, तो आपको तो अब धीरे धीरे तुरंत क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, है ना, समझना आना चाहिए। आपको दे रखा है कि स्पीड, स्पीड एक सेकंड रुको, हाँ देखो क्वेश्चन आपको दे रखा था, स्पीड ऑफ ए बोट, एक बोट है उसकी स्पीड दे रखी, स्पीड ऑफ ए बोट इन इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुका हुआ, ठीक है, स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो स्टॉप के बाद आपको दे दिया व्हाट इज, व्हाट इज इट्स स्पीड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। समझे क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक बोट है उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, स्टिल मतलब जो पानी रुका हुआ है वो बह नहीं रहा है, बहता पानी है रुका हुआ पानी है, ठीक है, उसमें जो बोट चल रही है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो सीधे आपको बोला इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, मतलब हमसे सीधे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि सर 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, उसके लिए देखो इतना लंबा चौड़ा उसने लिख के दे दिया, हमें सीधे ये बोला गया था। अब हमें पता है, हमें दे रखा है क्या 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, आपको पता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ था क्वेश्चन में 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, क्या बचा 18 बचा, क्या हो गया 18 किलोमीटर पर आवर हो गया, सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, सबने कर भी लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए बस इट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक चीज हो गई, फिर बोला गया द डिस्टेंस, फिर आपसे बोला गया
What is the distance? What is the distance covered? What is the distance covered? What is the distance covered by the bus? Covered by the bus in 5 seconds. In 5 seconds. कौन करेगा इसको? इस क्वेश्चन को कौन करेगा भाई, बताओ? स्पीड ऑफ ए बस 72 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकंड. बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग. लेकिन दो स्टेप में क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन तो समझ आ रहा होगा कि बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और आपको पता है स्पीड यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, ठीक है. फिर बोला इसकी डिस्टेंस क्या होगी, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय द बस इन 5 सेकंड. अगर जो बस है वो इतने की स्पीड से चल रही है, अगर बस इतने की स्पीड से चल रही है तो वो 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, जो 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है. तो सबसे पहले देख लो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसा नोट कर लो. स्पीड दे रखी है बस की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर. देख लो स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है. फिर आपको बोला व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी. इट मींस हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि सर हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी बाय द बस इन 5 सेकंड. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकंड, कि बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 सेकंड में. तो टाइम यहाँ पे हमें कितना दे दिया, टाइम यहाँ पे हमें कितना दे दिया, 5 सेकंड हमें यहाँ पे टाइम दे दिया कि वो 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करेगी. क्लियर है बात, सबको समझ आ रहा है? अब देख लो ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बोला, पहले ही से मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ. स्पीड यहाँ पे जो दे रखी है वो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, ठीक है. डिस्टेंस हमसे पूछी है, लेकिन जब हमसे उन्होंने डिस्टेंस पूछी कि बस कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो उन्होंने टाइम क्या दिया, 5 सेकंड में उन्होंने टाइम दे दिया. ध्यान से देखना, यहाँ टाइम है किस में, सेकंड में, और जो उन्होंने स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आर में दे रखी है. अब यहाँ का जो टाइम है, यहाँ का जो टाइम है वो क्या है, वो आर दे रखा है, और वहां दे रखा है सेकंड. तो पहले हमें टाइम को इक्वल बनाना पड़ेगा. समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमने पहले इस स्पीड को चेंज करना है. स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आर में है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो उस सेकंड फिर क्या हो जाएगा, सेकंड सेकंड सेम हो जाएगा, ठीक है. तो हमने पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो. 18 4 72 एंड 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बीच में आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, भले बोला नहीं जाएगा, आपको ये नहीं बोला जाएगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए हमें ना चाहते हुए भी वो करना पड़ेगा, लिखा नहीं होगा वो. इसीलिए मैंने क्यों आपको ये प्रैक्टिस करवाई, मैंने क्यों आपको ये इतनी प्रैक्टिस करवाई, उसी लिए करवाई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. 18/5, 5/18, बस वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. चलो तो ये कर लिया हमने. अब देख लो यहाँ पे आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है. इससे क्या पता चल रहा है कि सर 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, कि वो पर सेकंड 20 मीटर चल रहा है, कि वो 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है. अगर वो 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है तो 5 सेकंड वो कितना चलेगा, ऐसा समझ लो. बाकी आपके पास डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है. तो ध्यान से देख लो, अब हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, स्पीड का फॉर्मूला तो सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. या आप उसी फॉर्मूले को लगा लो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें आप लोग अपने हिसाब से देख लेना. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है, या स्पीड इंटू टाइम, जो भी आपको पहले लिखना है हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. क्लियर ये बात सबको, ओके. अब देख लो डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की जगह लिख लो 20, इंटू टाइम कितना है, टाइम है 5, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, या 25 = 100 हो गया सीधे, 5 × 2 = 10, इस चीज को कैसे लिख लेना है. अब ध्यान से देखना,
डिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है कि सर या तो केएम में होगी, किलोमीटर में होगी, या तो मीटर में होगी। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे मैं किलोमीटर लिखूं कि मीटर लिखूं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि हमारी स्पीड क्या थी, हमारी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो 100 मीटर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई सबको बात समझ। तो ऐसा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, देख रहे हो, समझ रहे हो। अब तुम लोगों को ये करना नहीं आ रहा, तुम लोग इसी पे फंसे हो, मल्टीप्लाई करना तुम लोगों को नहीं आ रहा, डिवाइड करना नहीं आ रहा, तो तुम ऐसा क्वेश्चन कैसे करोगे जो कि ऐसे 2-3 स्टेप में जा रहा है। कितनी बार ही समझाऊं यार कि प्रैक्टिस करो गाइस प्लीज, ठीक है, तब जाके कुछ बात बनेगी। हो गया, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सबका नोट हो गया, सबको समझ आ गया कैसे करना है, सब लोगों को बात समझ आ गई कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे दूं, तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, स्पीड स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ अ कार इज 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट गो, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड, हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड। हाउ फार डज इट गो इन 6 सेकेंड, बताओ। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा ना, ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो चेंज है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है, मीनिंग जो इससे पहले करा था उसी के जैसा है, ठीक है। जो इसका अर्थ निकल के आ रहा है, जो हमने इससे पहले करा था सेम उसी के जैसा है, लेकिन देख लो आपको थोड़ी घुमा फिरा के दिया जाता है ना, आपको घुमा फिरा के दिया जाता है कि भाई ट्राई करो कि क्या होगा, है ना। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। निकालो क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा बताओ। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग भाई, लगाओ दिमाग, सब लोग आंसर दो और ट्राई करो। देखो जब चीज आपको नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको इसमें और मेहनत करनी है ना। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको समझ भी आती है कि अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है या उसे करने में हमें दिक्कत आ रही है, इट मीन्स हमें उसे और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, उसमें हमें और टाइम लगाना है ना। आप उसको अगर पीछे हो जाओगे उसके लिए कि नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रहा, कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम साइड हो गए, फिर तो वैसे भी नहीं आने वाला है ना। तो आपको तो वहीं पे अवेयर हो जाना है, वहीं पे आपको सतर्क हो जाना है कि सर जो चीज हमें नहीं आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है उस चीज को करने में, तो उसमें तो हमें और अच्छे से फिर अपना टाइम देना पड़ेगा और जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, 3 4 5 नहीं हो रहा, तो करते जाओ जब तक हुआ नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हो जाएगा और उसके बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो संतुष्टि आपको मिलेगी, वो नेक्स्ट लेवल वाली होगी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस भी करते रहो। अलग अलग आंसर आ रहे सबके। चलो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सर मुझे क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक
ओके फिर हमें क्या दे रखा है, हाउ फार डज इट गो, कि हाउ फार डज इट गो, ये कितना दूर जाएगा, है ना, ये कितना दूर जाएगा, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। हाउ फार डज इट गो इट मीन्स ये डी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है इन 6 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है। अब टाइम है 6 सेकंड में, टाइम है 6 सेकंड में दे रखा है टाइम, और यहाँ स्पीड है किलोमीटर में पर किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे पहले इसका करना पड़ेगा, ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं 5/18 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब अपने हिसाब से आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये 6 से मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, 6 3 18 एंड 6 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिलहाल के लिए हो गया 5 × 5, 5 5 25/3 हो जाएगा। या इसको ऐसे रहने दो, या अगर आप इसे पॉइंट में करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ट्राई करना कि इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही आपको रखने का ट्राई करना है, ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकंड। बाकी अपने हिसाब से करना कैलकुलेशन। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, 25/3 है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों छोड़ा, वो अब आपको समझ आएगा। स्पीड इज इक्वल टू हो गया 25/3 इंटू में, टाइम कितना है, टाइम है 6 सेकंड। देखो ये भी सेकंड में हो गया था, ये भी सेकंड में हो गया था, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देख लो 3 2 6 हो गया एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 2 कितना हो जाता है, 50। डिस्टेंस क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस भी यहाँ पे किस में आएगी, मीटर में आएगी, इसलिए मैंने उसको वहां पे क्या छोड़ा, 25/3 ही छोड़ा था। अगर आप वहीं पे उसे क्या कर लेते, डेसिमल में निकाल लेते, आंसर तो सेम ही आना था, है ना। आपने उसे पॉइंट करके कुछ डेसिमल में आया होगा डिवाइड करके, फिर आपने उसे 6 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर तो आपको वैसे ही आना था। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, आंसर तो आपको क्या आना था, वैसे ही आपका आंसर आना था। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई हैंड रेज कर रहा है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बताओ। अच्छा सॉरी सॉरी, 2 2 कहाँ पे होगा, 2 कहाँ पे हो, कुछ गलत करा मैंने, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे गलत, कहाँ पे हुआ, अरे यार रुको रुको रुको, यहाँ पे 2 होगा, ठीक ठीक बोल रहे हो, यहाँ पे होगा ना 2, 9 से करा है हमने इसको ना, क्या तुम लोग भी यार, क्या तुम लोग भी गलत करवा रहे हो। 9 5 45 एंड यहाँ क्या हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी तो 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा, यहाँ पे फिर क्या आएगा, 25/2 आएगा इंटू में टाइम तो 6 था। अब यहाँ से हो जाएगा 2 3 6, अब आ जाएगा 25 25 × 3, 25 3 कितना हो जाएगा, 75 75 आएगा, 75 मीटर, ठीक है भाई, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 75 काटने पर, है ना, ठीक है, सबके आंसर पहले ही आ गए थे तुम लोगों के, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। तो 75 मीटर आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, आगे निकले, क्लियर हो गया। वैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे किसको चेंज करना है ना। अगर आप इसको यहीं पे डिवाइड भी करते, जो भी डेसिमल डेसिमल में आंसर आता उसे आपने फिर 6 से मल्टीप्लाई करना था, एट दिन आंसर यही आना था, ठीक है। कोई बोल गया सर मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया, 2 से आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया तो 2 1 जा हो गया यहाँ पे 2, फिर 2 2 जा हो गया 4, 1 बचा 2 5 10, ठीक है, तो ये कितना होना है, 12.5 होना है। अब हमने इसको फिर यहाँ पे स्पीड की वैल्यू रख दी और टाइम आपके पास 6 सेकंड था, तो 6 से हमने इसे मल्टीप्लाई करा, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 2 18 18 20, 1 सेकंड, 6 2 12, 12 3 15 का 5 कैरी 1, 6 1 6 6 1 7, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो तो 0 भी हट जाता है, पॉइंट भी हट जाता है, 75 आपका वहां से भी आना है, ठीक है। तो कैसे भी करोगे आंसर हमेशा सेम आता है, बस मेक श्योर कि आप लोग सही कर रहे हो, आप लोग सही कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब आ रहा है ना, अब समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन के कैसे करना है, अब तो समझ आ रहे हैं क्वेश्चन के कैसे करना है। देख लो क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स, एक एक आदमी कवर कर रहा है, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ, मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 33 33
किलोमीटर इन 5 होल 1/2 आवर्स। देखो ऐसे भी दी रहती है वैल्यूज, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन होगा, नॉर्मल वैल्यूज होंगी, तो उसे तो हर कोई बच्चा करेगा, उसे तो हर कोई कर लेगा। वो तो कुछ इस तरीके से देंगे, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है ना। 33 किलोमीटर इन 5 होल 1/2 आवर्स, 5 होल 1/2 आवर्स, फाइंड फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन। उस मैन की स्पीड क्या थी वो आपको फाइंड करना है। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ए मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर। एक आदमी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 33 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है कि वो कितने में कर रहा है, 5 होल 1/2 आवर्स में कर रहा है। एक चीज आपको अच्छे से क्लियर है, सबसे पहले क्या चेक करना है, इस ये क्या है डिस्टेंस है कितनी, 33 किलोमीटर, किलोमीटर में है, और टाइम किस में, टाइम आर में है। ठीक है, बहुत सही है। अगर टाइम यहाँ पे सेकंड में होता तो फिर मुझे एक बार टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि किलोमीटर और आर होना चाहिए, अगर मीटर होगा तो सेकंड होना चाहिए, दोनों साथ साथ में होने चाहिए, उलट पुलट नहीं होना चाहिए। स्पीड आपको निकालनी है, देख लेते हैं। डिस्टेंस मुझे दे रखी है डी, मुझे दे रखा है कितना 33 किलोमीटर, मुझे क्या दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, टाइम मुझे क्या दे रखा है, टाइम मुझे क्या दे रखा है, 5 होल 1/2 मुझे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब ये होल में है, इसे मैं क्या करूंगा, ये मिक्स में दे रखा है, मैं क्या करूंगा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दूंगा। ठीक है, तो सबको पता है 2 × 5, 2 × 5 = 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, 11/2 आवर्स हो गया। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है सर, स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड तो निकालनी है, डिस्टेंस कितना है 33 है, अपॉन में टाइम कितना है, अगर आप इसी को लिखो ध्यान से देखना, टाइम कितना है, टाइम है 11/2, 11/2। अब मैंने ये चीज भी आपको सिखा रखी है फ्रैक्शन में कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर 33 है, हमने क्या बोला कि हम 33 को डिवाइड कर रहे हैं, 33 / 11/2, हम 33 को डिवाइड कर रहे हैं 11/2 से। ऐसा आपने देखा था वहां पे, मैंने आपको डिवीजन वाले में बताया था हम फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, हम 33 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 11/2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इस डिवाइड को क्या बना देते थे, मल्टीप्लाई बना देते थे, और इसका रेसिप्रोकल कर लेते थे 2/11। आ रही है बात समझ में, ध्यान आ रहा है, ध्यान आ रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, 33 इस वाले डिवाइड, जो मेन डिवाइड होगा उसे मल्टीप्लाई बनाना होता है। देखो डिस्टेंस है कितनी 33, टाइम है कितना 11/2, तो 33 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11/2 से, तो 33 ये वाला डिवाइड होगा आपका किसमें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/11। या आप यहाँ पे इसे पॉइंट में भी पहले ही कर सकते थे, पॉइंट में कर लो, फिर जो आएगा उसे सीधे डिवाइड कर लो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, अब देख लो 11/3 हो गया आपका कितना 33। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, स्पीड इज इक्वल टू 3 × 2 बचा, 3 × 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देख लो फिर ध्यान से, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, टाइम किस में है, आर में। ठीक है, तो स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर पर आर में आएगी, किलोमीटर पर आर में आएगी, ये आना था आंसर, ऐसे करना था। शौर्य शौर्य देख लो कहाँ पे गलत हो गया, आपने वहीं पे गलत कर लिया होगा, वो 62 क्यों होगा। ठीक है, ऐसे होना था भाई, ऐसे होना था, कैसे होना था सर, ऐसे होना था। क्लियर है, जो किलोमीटर होगा उसके साथ हमेशा आर होना चाहिए, और जो मीटर होगा उसके साथ हमेशा सेकंड होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होगा और किलोमीटर पर आर होगा। अगर ये नहीं होगा तो चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो सब कुछ सेट था, किलोमीटर में था, आर में था, लेकिन जो यहाँ पे टाइम दे रखा था वो आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी थी, तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 11/2। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको फ्रैक्शन में सारा क्लियर हो रखा है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके सामने एकदम से आई होगी, है ना, हर चीज का सीक्वेंस से हम लेके चल रहे हैं हर एक चीज को। आपको भी लग रहा होगा, हाँ सर हर एक चीज आपकी बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही है, कोई भी ऐसा नहीं कि एकदम से नई चीज क्यों आई, नई चीज कहीं पे भी एकदम से नहीं आ रही होगी। बस बाकी आप जितने प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको चीजें क्लियर होंगी, वरना तो फिर नहीं करोगे तो ऐसे हल्के में आप लोग चलते रहोगे, फिर तो आपको दिक्कत ही आएगी, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।
इन इक्वेशन को बार बार प्रैक्टिस करना, इन इक्वेशन को फिर से अपने रफ नोटबुक में लिखना और उनको अपने आप से करने का ट्राई करना, इन इक्वेशन को फिर से करना। होमवर्क आपका ये है, इन इक्वेशन को जो हमने ये जो जो कन्वर्ट करे थे ना, इन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को नोट करोगे अपने जो आपके नोटबुक है जिसमें आप नोट्स लिख रहे हो, प्रॉपर सब्जेक्ट जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बंद करना, रफ नोटबुक में अपने आप से करने का ट्राई करना। देखो आप कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ आपको दिक्कत आ रही है फिर मुझे बताओ कि सर हम इस पॉइंट पे हमें दिक्कत आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 1000 बार पूछो, वो मेरी ड्यूटी आपको एक एक चीज़ बताना। लेकिन पूछने से पहले एक बार आपको अपने आप से जरूर पूछना है कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि हम हमें क्या क्या चीजें क्लियर है तब तक दिक्कत ही रहेगी, है ना, समझ रहे हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 1000 बार पूछो, 2000 बार पूछो, सारे दिन भर पूछो, रात भर पूछो, वो मेरी ड्यूटी है एज अ टीचर, वो मेरी ड्यूटी है कि आपको एक एक चीज बताना जहाँ पे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे कि आप फंस रहे हो, ठीक है। बस मैं आपसे हमेशा वही बोलता हूँ कि मेरे से पूछने से पहले आप बस एक बारी अपने आप से पूछ लो, है ना। कई बार क्या होगा कि आपको खुद से ही सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं होगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो। लेकिन अपने आप से जरूर पूछना है, आपको पता होना चाहिए हमें क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, क्या चीज़ हम खुद से कर सकते हैं, है ना। आपको अपनी पावर देखनी है ना कि हमें हम कितना पावरफुल है, हमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके चीज़ों को रिवाइज करते रहो, बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहो एंड जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पूछते रहो, ठीक है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका बढ़िया चल रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी, बस इसमें जो आप फंसोगे तो यहीं पे फंसोगे। और अभी तो देखो, अभी तो आप सीधे सीधे चल रहे हो, बाद में एक कन्फ्यूजन आती है किसमें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने में। अभी तो आप बिल्कुल फ्लो में हो, अभी आपके माइंड में सब चीज़ है, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे अगर रिविजन नहीं करोगे तो, है ना। फिर कन्फ्यूजन होगी कि यार कैसे, किससे हमने मल्टीप्लाई करा था, उसको हमें चेंज करना था तो मल्टीप्लाई हमने किससे करा होगा, वहां फंसोगे, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है, बाकी बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके चलो यू लवली, हाँ ठीक है, बस मेहनत करते रहो यार, ठीक है, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस जितनी करोगे आपके साथ वाले देखो कितनी प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया करते हैं ना, और मोटिवेट रहो हर बार, है ना। कोशिश वही रहती है कि आप लोगों को हर तरीके से पूरा डेवलप किया जाए ताकि आपको दिक्कत ना आए, बाकी करना फिर एट द एंड आपको ही यार, है ना। चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNVCHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहां जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में कराया है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीजें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेज स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।